कुछ बातें जिनको हमें ज़िंदगी में हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। डोंट ट्राई टू शो योरसेल्फ एज गुड। आप अपने आप को अच्छा बनाने की और अच्छा साबित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि सामने वाले को जो मानना है वो वही मानेगा। अगर सामने वाले को आपके अंदर कमी ढूंढनी है तो आप कितना ही अच्छा कर लो वो कमी ढूंढ ही लेगा। सो जस्ट बी योरसेल्फ। आप जो हैं आप वहीं रहो। कुछ भी अच्छा दिखाने की और अच्छा बताने की कोशिश मत करो। डोंट प्रिटेंड टू केयर इफ़ यू डोंट। अगर आप किसी की परवाह नहीं करते हो तो उसको मत दिखाओ कि मैं बहुत परवाह करता हूँ। इफ़ यू डोंट केयर जस्ट लेट इट बी। नहीं करते तो नहीं करते, कौन सी बड़ी बात है? ज़बरदस्ती दिखाने से क्या ही हो जाएगा? अगर नहीं करते हैं तो नहीं करते हैं। दिखाने की या शो ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चूज योर सेल्फ ओवर योर फ्रेंड्स। कि जब आपको मौका मिले आपको और आपके दोस्तों के बीच में चूज करने का, तो आप अपने आप को चूज करें और अपने आप को बेटर बनाएं। क्योंकि कल को जब बारी आएगी तो दोस्त बहुत आगे निकल जाएंगे, और अगर आपने अपने आप पर काम नहीं किया तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। सो गिव प्रायोरिटी टू योर सेल्फ नॉट टू फ्रेंड्स, बिकॉज एट लास्ट यू विल रियलाइज दैट यू आर योर बेस्ट फ्रेंड। आपको एहसास एक दिन ज़रूर होगा कि आप ही आपके सबसे अच्छे दोस्त हो। डोंट वरी अबाउट रिजल्ट्स बिफोर वर्किंग हार्ड फॉर इट। अगर आप किसी काम को कर रहे हो तो उस काम में आप रिजल्ट्स के बारे में फोकस मत करो। आप ये देखो कि आप उस काम को कितनी शिद्दत से कर रहे हो और कितना हार्ड वर्क उसमें डाल रहे हो। ट्राई टू गेट योर वर्क डन ऑल बाय योर सेल्फ। अगर आप किसी काम को कर रहे हो तो कोशिश करो कि उस काम को पूरी तरीके से आप ही करो, किसी की हेल्प लिए बिना। अगर आप किसी की हेल्प ले रहे हो तो ये इंसानी फितरत है क्रेडिट लेने की। काम करेंगे थोड़ा सा और क्रेडिट चाहिए पूरा। काम करेंगे 10%, क्रेडिट चाहिए 90%। तो कोशिश करो कि आप अपने काम को पूरी तरीके से आप खुद ही फिनिश करो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव्ड वंस फिजिकली एंड मेंटली। आप अपने बारे में, अपने फैमिली के बारे में और जिनको आप चाहते हो उनकी फिजिकल और मेंटल दोनों तरीके से हेल्थ का ध्यान रखें। क्योंकि अगर आपके चाहने वाले या आपके परिवार के लोग भी अगर परेशान होंगे तो आपके लिए ही परेशानी है। तो बढ़िया है कि आप उनका फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से पहले से ही ध्यान रखें। फोकस ऑन योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट रादर देन फोकसिंग ऑन पीपल्स सक्सेस। कि आप और लोगों की कामयाबी पे फोकस कर रहे हो, इससे ज़्यादा बढ़िया है कि आप अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे, अपने स्किल्स पे, अपने स्ट्रेंथ पे, अपने खुद के इम्प्रूवमेंट पे काम करने पे ध्यान लगाओ। क्योंकि अल्टीमेट आप अगर इन सब चीज़ों पे ध्यान लगाओगे तो ऑटोमेटिक इन द प्रोसेस आप खुद सक्सेसफुल बन जाओगे। आपको और लोगों की सक्सेस देखने की ज़रूरत नहीं है। वर्क ऑन योर स्किल एवरी डे विदाउट मेकिंग एनी एक्सक्यूज। कि आपकी जो स्किल है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, उस पर आप रोज काम करो और अपने आप को और बेहतर बनाओ। अपने उस स्किल्स पे और महारत हासिल करो बिना कोई बहाने लगाए, बिना कोई एक्सक्यूज लगाए। आप अगर एवरीडे अपने स्किल्स पर काम करोगे तो इन द प्रोसेस आप उस फील्ड के बहुत बड़े एक्सपर्ट बन जाओगे और वो आपके लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी।